हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं स्नेहाज टेस्टी रेसिपीज। आज मैं शेयर करने जा रही हूं नॉनवेज को टक्कर देने वाली बेसन से बनने वाली सब्जी। तो आइए शुरू करते हैं। बेसन की इस स्वादिष्ट सब्जी को बनाने के लिए मैंने यहां लिया है 1 कप बेसन। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन्हें थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसमें पानी डालेंगे और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें गुठलियाँ ना रहे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी पानी डाला है और घोल की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम मसाले तैयार करेंगे। तो मसालों में मैंने लिया है 2 लहसुन की गांठें, 1/2 चम्मच जीरा, 8-10 काली मिर्च और 2 चम्मच पीली सरसों। अब इन सबको ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे इस तरह। अब मैं कुछ सूखे मसाले ऐड करूंगी इस पेस्ट में। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन्हें मिक्स करेंगे और एक प्लेट से ढककर साइड में रखेंगे। अब हम गैस पे एक तवा चढ़ाएंगे, 1 चम्मच तेल डालेंगे और बेसन का घोल डालकर फैला देंगे और अब हम इसे एक तरफ से सूखने देंगे। ऊपर से हल्का सा सूख जाने के बाद हम इसके चारों तरफ 1 चम्मच तेल और डाल देंगे और चीले को इस तरह दोनों साइड से उठा के मोड़ देंगे और इसे दोनों तरफ से उलट पलट कर सेक लेंगे। इसी तरह से हम सारे चीले बना लेंगे। इस तरीके से बनाने से इसका कलर भी अच्छा आएगा और इसकी परतें भी ग्रेवी में डालने पर खुलेंगी नहीं। तो यहाँ पर सभी चीले इसी तरह से मैंने तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और साथ में डालेंगे थोड़ी सी मेथी। मेथी दाना के चटकने पर हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसे ढककर भूनेंगे। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि मसाले से तेल सेपरेट होने लगा है। तो अब हम इसमें 2 टमाटर को रफली चॉप करके डाल देंगे। इसे मसालों के साथ मिक्स करेंगे और ढककर थोड़ी देर और पकाएंगे। 5 मिनट बाद मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं और तेल भी सेपरेट होने लगा है। मसाले अच्छी तरह से भुने, मसाले जितनी अच्छी तरह से भुनेंगे सब्जी उतनी ही अच्छी बनेंगी। और अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे। पानी में उबाल आने देते हैं, तब तक हम सारे चीले को कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा ही काटा है चीले को, पर आप चाहे तो थोड़ा सा तिरछा शेप भी दे सकते हैं। इधर ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है तो हम इसमें कटे हुए बेसन के चीले को डाल देंगे और ढककर 1 मिनट और पकाएंगे। 1 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इसमें हरी धनिया डाल देंगे और बस हो गई तैयार हमारी बेसन की मछली। ये देखिए सब्जी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। इसे सर्व करते हैं। आप इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई सब्जी समझ में ना आए कि आज क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।